मेरा नाम यशवंत पटेल है। मैं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हूँ। मैं 10 तारीख को मुंबई से गड़ाकोटा आया, तो गड़ाकोटा से मैं मेरे मामा जी के साथ अपने गांव सर्रा में आया। तो ना मेरी कोई पूछताछ हुई, ना मेरी कोई जांच हुई कि तुम कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं है। मैं आया, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से मैं गांव के बाहर ही एक स्कूल है वहाँ पर रुका। उसके बाद 10 तारीख को मैं रात भर वहीं रहा, मैं और मेरा मामा जी। उसके बाद 11 तारीख को सुबह 9 बजे सचिव साहब आए, तो मैंने सचिव साहब को बोला कि सर मुझे थोड़ी थोड़ी बुखार है, मैं मेरा चेकअप करवाइए, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। तो सचिव साहब बोले ठीक है, मैं तहसीलदार और बड़े अधिकारियों को बात करता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें तेंदुखेड़ा भेजता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सचिव ने बोला तुम जिस बाइक से आए हो गड़ाकोटा से, उसी बाइक से मामा के साथ तेंदुखेड़ा चले जाओ। तो मैं 11 तारीख को तेंदुखेड़ा चला गया। तो वहाँ पे बालिका छात्रावास में मुझे रखा गया। फिर 12 तारीख को मेरा सैंपल लिया गया। 12 तारीख को सैंपल लेने के बाद 13 तारीख को बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारे मामा जी जो हैं उनको, तुम्हारे मामा जी जो साथ में हैं उनको घर भेज दीजिए। तो 13 तारीख को मामा जी को घर भेज दिया। फिर 14 तारीख को मुझे बोला गया कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम भी घर जा सकते। तो 14 तारीख को मुझे भी 12 बजे घर भेज दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद 3 बजे फिर मुझे कॉल आता है कि तुम कहाँ हो यशवंत। मैंने कहा सर मैं घर आ गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं घर आ गया हूँ। तो 3 बजे मुझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम सबसे दूरी बना के रखो, किसी से ना मिलो, सबसे दूर रहो। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है, इसमें मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे गांव वाले सब परेशानी में आ गए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है, इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो।